चार पंक्तियां सुनाता हूं सिर्फ शुद्ध आनंद के लिए कि मर्दों के लिए मोदी जी की थीम निकालो वन। समझदार लोग हैं बहुत। मर्दों के लिए मोदी जी की थीम निकालो, मीठा तो बहुत हो चुका नमकीन निकालो, अच्छा किया जो नोट बदल डाले आपने, बीबी को बदलने की भी स्कीम निकाल। अब ये जितने पुरुष ताली बजा रहे हैं ये आज शाम को सबकी खैर नहीं कि तुम ताली क्यों बजा रहे थे, तुम्हारे मन के भीतर जरूर कुछ न कुछ गड़बड़। मोदी जी की जब सरकार बनी तो मैंने उससे भी हास्य निकाला। मैं एक छोटा सा गीत दिनेश ने कहा है, उससे मैं हास्य कैसे निकल सकता है। वो बड़े व्यक्तित्व के धनी हैं, प्रधानमंत्री हैं और बहुत स्नेह करते हैं कविता से और सभी विद्वान लोगों से। मैंने उससे भी हास्य निकाला, शुद्ध हास्य मोदी जी से कुछ निकाला जा सकता है, वो मैंने प्रयास किया है। आधी लाइन आप गाएंगे तो ये उत्सव महोत्सव में बदल जाए। जी भैया। कि सारे दलों में मचा है हाहाकार रसिया। आप बिल्कुल ये सोचिए कि मैं हास्य कवि हूं, किसी दल का सोच के मैं आपके दिल का आदमी हूं, मैं जनता का आदमी हूं, मैं हंसी का आदमी हूं, मैं हिंदी का आदमी हूं, मैं इस धर्म क्षेत्र का आदमी हूं, मैं हिंदुस्तान का आदमी हूं। क्या कहें? किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति मैं नहीं। क्या कहने? कि सारे दलों में मचा है हाहाकार रसिया, देखो मोदी ने बना ली सरकार रसिया जोर। ये लाइन आपकी है। सारे दलों में मचा है हाहाकार रसिया, देखो मोदी ने बना ली सर। सोच रहे हैं अन्ना सूख के हो गए गन्ना। राजनीतिक चुटकियां लेना आप कि सोच रहे हैं अन्ना सूख के हो गए गन्ना, मुझको धरने पर बैठा कर सीएम बन गया मुन्ना। तालियां बहुत कमजोर है। क्या कहने? मैं दो तीन बंद कम कर दूंगा। देखो साहब आप भी खाली हैं, आप भी बजाइए। यही वाद्य यंत्र थोड़ी देर। कि सोच रहे हैं अन्ना सूख के हो गए गन्ना, मुझको धरने पर बैठा कर सीएम बन गया मुन्ना। खुशी स्मृति ईरानी रोए सोनिया रानी, ऐसी चाल चली कि सारे हो गए पानी पानी, जोशी अडवाणी को भेज दिया हरिद्वार रसिया, देखो मोदी ने बना ली सरकार रसिया जोरदार रसिया। ये गुजराती भाया ऐसा दांव चलाया, जापानी को गीता देकर बुलेट ट्रेन ले आए। बड़ी बात है साहब कि ये गुजराती भाया समर्थन, ये गुजराती भाया ऐसा दांव चलाया, जापानी को गीता देकर बुलेट ट्रेन ले आया। घबराए ओबामा बनना जाए सुदामा, ऐसा ना हो पेंट उतार के पहना दे पाजामा, रुपया डॉलर पर हो जाए ना सवार रसिया, देखो मोदी ने बना ली सरकार जोरदार रसिया। खड़ी चीन की खटिया डूब न जाए लुटिया। एक हमारे मित्र चाइना गए, कोई लड़की पसंद आ गई तो शादी करके आ गए, तो छह महीने में वो लड़की मर गई। तो बैठ के रो रहे थे तो दादाजी ने समझाया, बेटा रोता क्यों है, चाइनीज माल इससे ज्यादा चलता ही कहा, इसलिए मेक इन इंडिया की जरूरत पड़ती है। कि खड़ी चीन की खटिया डूब न जाए लुटिया, वो तो सब है चंगू मंगू मोदी है छह फुटिया। वो तो सब है चंगू मंगू, विजुअल पोएट्री। वो तो सब है चंगू मंगू मोदी है छह फुटिया, मियां बिलावल लल्लू जानते हो ना, बोले हमको पूरा कश्मीर चाहिए। मैं सागर की तरफ से जवाब देता हूँ, समर्थन करे तो हाथ उठा के करना, मैं हिम्मत करता हूँ। कि मियां बिलावल लल्लू हमें न समझो उल्लू, मियां बिलावल लल्लू लल्लू लल्लू, मियां बिलावल लल्लू हमें न समझो उल्लू, कश्मीर की जगह मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। कश्मीर की, ये सागर वाले ट्रेन में बराबर वाली सीट नहीं दे सकते किसी को, कश्मीर क्या देंगे। कि मियां भी समर्थन करो साहब एक बार ऐसा। क्या बात है, जिंदाबाद। कि मियां बिलावल लल्लू
हमें न समझो उल्लू, कश्मीर की जगह मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू, शेरों के आगे है भौ 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 बेकार रसिया, देखो मोदी ने बना ली सरकार रसिया, जोरदार रसिया। अमेरिका था खीजा, नहीं दिया था वीजा, अब कहता है जीजा जी आकर खा जाओ पिज्जा। ऐसा ही हुआ ना कि अमेरिका था खीजा, नहीं दिया था वीजा, अब कहता है जीजा जी आकर खा जाओ पिज्जा। रामदेव की माया ऐसा पेट घुमाया, पेट घुमाकर कांग्रेस का तो कर दिया सफाया, अब वो कर रहे स्वदेशी का प्रचार रसिया। क्या बात है बाप, बड़ा काम किया है स्वामी रामदेव जी ने। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए उनके लिए, क्या कहने। स्वदेशी के लिए, धर्म के लिए, योग के लिए, आयुर्वेद के लिए, बड़े काम के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि अब वो कर रहे स्वदेशी का प्रचार रसिया, देखो मोदी ने बना ली सर। आखिरी बंद पढ़ता हूँ। गायत्री और गैया कहती गंगा मैया, गायत्री और गैया कहती गंगा मैया, अब तो जागो भारत माता करती दैया दैया, अब तो जागो 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 अब तो जागो। अभी भी नहीं जागा भारत तो कब जागेगा। हाथ उठा करके सारे लोग इस आज राम के मंच पर बापूजी के जन्मदिन पर, क्या बात है। अब तो जागो भारत माता करती दैया दैया, हो गए गाल गुलाबी शुद्ध हास्य, हो गए गाल गुलाबी मिल गई देश की चाबी, जनता कहती मोदी भैया घर ले आओ भाभी, एक छोटा मोदी कर दो तैयार, एक छोटा मोदी कर दो तैयार रसिया, वरना लालू जी से ले लो एक उधार रस, देखो मोदी ने बना ली सरकार रसिया, जोरदार रसिया। सारे दलों अच्छा है, क्या कहने। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर, मोदी ने बना ली। सुनील योगी का ये पक्ष हास्य का था, इन बापू को मैं वो पक्ष सुनवाना चाहता हूँ जो सुनील योगी को पूरे विश्व गाता, चाहे वो अमेरिका हो चाहे लंदन हो। बेटी और माँ पर जो काम किया है, धर्म पर जो कविताएं लिखी हैं, बहुत बड़ी कविताएं हैं, 3 दर्जन से ज्यादा पुस्तकें हैं इनकी। मैं चाहता हूँ बापू पर आज ही उन्होंने मात्र झांसी से सागर तक की यात्रा में कविता लिख दी। जब मैंने बताया कि उनका जन्मदिन है, उसके भी 1-2 बंद जरूर सुनाएंगे। एक बार पुरजोर तालियों से डॉक्टर सुनील योगी का स्वागत किया जाए। डॉक्टर सुनील, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि महिलाएं बैठी हैं, बेटियों की और मातों की। और निश्चित तौर पे ये सब ठाके थे और केवल शुद्ध हास्य था, इसका किसी राजनीति से, किसी और विषय से। जोगी जी, बस ये जो माताएं बहने मेरी खड़ी हो रही हैं, मेरा करबद्ध निवेदन कि हम आपके शहर में आए हैं अजनबी की तरह, बस एक रात मुलाकात का मौका दे दे, बस आप चुपचाप बैठ जाएं, क्योंकि हमारे लिए आप बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, कोई सामान्य लोग नहीं है, हमारे आप श्रोता नहीं, हमारे ईश्वर हैं। तराजू के 2 पलड़े होते हैं, एक हल्का होता है, जो हल्का होता है वो ऊपर नहीं होता, वो नीचे होता है, और जो हल्का होता है वो ऊपर है। आप बड़े लोग, वजनदार लोग नीचे बैठे हैं, इसलिए हम जैसे हल्के लोग आपको कुछ सुना पा रहे हैं, उस तराजू का सम्मान करिए। एक बार जोरदार ताली बजा करके ये जो माताएं बहने जा रही हैं, बस थोड़ा समय हमें दीजिए और उन्हें बिठा लीजिए, अच्छा लगेगा। जोगी जी, भैया अब अगर कोई उठेगा तो मैं बैठ जाऊंगा। और क्या करूं, नहीं इससे अच्छा तो कुछ सुनाया नहीं जा सकता। अब मैं